नाथ जी गुरु जी को अलख आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। महादेव को मनाना तो बहुत आसान है। आप लोगों ने वो कहानी सुना होगा कि जहाँ पर एक चोर शिवालय में घुस जाता है और सब कुछ चुराने के बाद उसे घंटी दिखती है, तो उसे लगता है घंटी का भी बहुत सारा पैसा मिलेगा, तो वो शिवलिंग के ऊपर चढ़ के घंटी खोलने लगता है, महादेव प्रकट हो जाते हैं। तो ये बड़ा आश्चर्यचकित होता है, महादेव प्रकट क्यों हो गए? तो महादेव बोलते हैं, बोलो तुम्हें क्या वर चाहिए? तो ये चोर बोलता है, महादेव आप क्यों मुझसे वर पूछ रहे हैं? तो बोला, सब तो फूल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, मुझे कुमकुम लौंग जो भी है फल नवेद्य चढ़ाते हैं, तुमने तो खुद को ही मुझ पर चढ़ा दिया, अब इससे ज़्यादा तुम क्या समर्पण करोगे, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? तो वो महादेव हैं। तो महादेव की एक रात्रि की साधना भी बहुत ज़्यादा लाभ देती है। जैसे मैंने आप लोगों को होंग नमः शिवाय का जाप बताया था, जिससे जो साधक चाहते हैं कि महादेव की कुछ शक्ति की अनुभूति हो, वो अनुभूति पा सकते हैं। फिर मैंने आप लोगों को ओम ह्रीम होंग नमः शिवाय का जाप बताया था, जिससे कि आप धन अर्जन जीवन में कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से फिर मैंने आप लोगों को शिव अघोर मंत्र दिया था पिछले शिवरात्रि को, जो मंत्र था ओम नमः शिवाय महादेवाय नीलकंठाय आदि रुद्राय अघोर मंत्राय अघोर रुद्राय अघोर भद्राय सर्व भय हराय मम सर्वकार फल प्रदाय हन हनाय। ठीक है, इसमें और भी आगे मंत्र था। तो आज जो मैं आप लोगों को एक विधान बताने वाला हूँ, ये एक दिन के बदले 7 दिन का है। ठीक है, मतलब कि अगर 11 को ये महाशिवरात्रि है, तो अगर आप 5 तारीख से ये साधना शुरू करेंगे, तो आपको महाशिवरात्रि के दिन इसकी पूर्ण आहुति आप कर सकते हैं। ठीक है, साधना के लिए क्या चाहिए? महादेव है, बहुत कुछ आपको चाहिए नहीं। एक रुद्राक्ष की माला आप लोगों को चाहिए। ठीक है, अगर बाणलिंग की स्थापना कर सकते हैं तो एक बाणलिंग खरीद लीजिए। बाणलिंग क्या होता है? नर्मदेश्वर शिवलिंग को बाणलिंग कहते हैं। ठीक है, जो तंत्रोक्तर विधि से पूजा घर में करते हैं, वो जो अर्घी होती है जिसपे रखते हैं शिवलिंग को, वो काली रखेंगे, और जो बाणलिंग है वो सफ़ेद रखेंगे। और जो तांत्रिक विधि से नहीं करते हैं, वो बाणलिंग का जो भी रंग हो वो मिल जाए, और नीचे एक अर्घी रख लेंगे पीतल की चांदी की। इसका एक स्थापना मंत्र है, वो नहीं करेंगे, क्योंकि हमेशा घर में चल प्रतिष्ठा होती है, अचल प्रतिष्ठा हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, जो दिशा होगी साधना की वो नॉर्थ होगी, कैलाश की तरफ होगी। तो जब मैं नॉर्थ कह रहा हूँ, तो ये नॉर्थ भारत भूभाग के लिए कहा गया है, जम्मू द्वीप के लिए कहा गया है, जिसके नॉर्थ साइड में कैलाश है। आप अगर विश्व के किसी और कोने में रह रहे हैं, तो फिर आप जिस तरफ आपका हिमालय पड़े, जिस तरफ आपका कैलाश मानसरोवर पड़े, उस तरफ मुख करके, महादेव के आवास की तरफ मुख करके आपको ये साधना करनी है। ठीक है, साधना कब करेंगे? हम लोग संध्या को करेंगे। ऐसे भी जब हम सुबह में कोई पूजा करते हैं, चाहे वो महादेव का हो या श्री विष्णु का हो, नारायण का हो, तो हम ईस्ट फेसिंग करेंगे उस साधना को। लेकिन जब भी हम सूर्य अस्त के बाद साधना करते हैं, तो उसको नॉर्थ फेसिंग करना चाहिए, क्योंकि समय देवता दक्षिणमुखी होते हैं। तो नॉर्थ फेसिंग, एक बाणलिंग, ठीक है, और 7 दिन के लिए 21 बेलपत्र। कितने? 21 बेलपत्र। और हर रोज आप बेलपत्र बदलेंगे नहीं। अगर आप लोगों में से किसी के पास शिव महापुराण है, जो अब सबसाइज्ड मिलता है या कथा रूप में मिलता है, वो नहीं, जो मूल रूप है, उसमें बताया गया है ये विधान कि आप एक बेलपत्र से 7 दिनों तक पूजा कर सकते हैं। और कुछ और पौराणिक ग्रंथ है, उसमें कहते हैं कि जो पुष्प और बेलपत्र को जब साथ रखते हैं, तो आप जब एक बार निकले तो 1 महीने तक उसका प्रयोग हो सकता है, भले ही वो सूख जाए। हाँ,
हमारे विधान में इस बेलपत्र को हम 21 बेलपत्र को रोज चढ़ाएंगे और रोज चढ़ाने के बाद उसको पूजा होने के बाद फिर उठा के रख लेंगे, फिर दूसरे दिन उसी को चढ़ाएंगे, ठीक है। तो दूसरा सामग्री जो हम लोगों को चाहिए वो बेलपत्र है। तीसरा सामग्री हम लोगों को चाहिए वो है दूध अभिषेक के लिए, मधु अभिषेक के लिए, दही अभिषेक के लिए, गंगा जल अभिषेक के लिए। बस चार चीज़ों से हम अभिषेक करेंगे। उसके बाद जो नॉर्मल वाटर होता है, जो आम सामान्य जल है, उससे हम लोग अभिषेक करेंगे, ठीक है। दीप घी का रहेगा। अगर पंचमुखी दीप मिल जाए, एक दीप में जुड़ा हुआ पांच दीप हो, आरती वाला नहीं, पंचमुखी दीप अगर मिल जाए तो पंचमुखी दीप का प्रयोग करेंगे। क्यों पंचमुखी दीप का प्रयोग करेंगे? क्योंकि शिव जो है वो पंचानन है। हम लोग फोटो या कैलेंडर में शिव को एक मुखी देखते हैं, लेकिन शिव पंचानन है और उनके जो सर्प है वो भी पंचानन है, इसीलिए पंचमुखी दीप का प्रयोग करेंगे। अगर पंचमुखी दीप नहीं मिल रहा है आपको, तब आप पांच अलग अलग दीपक को लेंगे और उसको इस प्रकार से रखेंगे कि जो चार दीपक है वो चार दिशाओं की तरफ हो, मतलब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और एक दीपक जो है उसको मध्य में जला के ऊपर की तरफ रखेंगे, ठीक है। तो ये जो है ये दीपक आपका इस तरीके से शिवलिंग के ठीक सामने रहेगा, ठीक। अब शिवलिंग का जो अर्घ है वो नॉर्थ की तरफ है, आपका मुख नॉर्थ की तरफ है और आपके और शिवलिंग के बीच में ये दीपक का सेटअप होना चाहिए। तो चाहे तो पांचमुखी हो या फिर चार डायरेक्शन की तरफ चार लो और बीच में मध्य में एक लो रहेगा। अच्छा, एक चीज़ मुझे इसमें और विषय ध्यान आया कि जो लोग शिवलिंग रखते हैं वो ज़रूर से नंदी रखते हैं। तो नंदी जब आप रखते हैं, नंदी कभी भी अकेले नहीं स्थापित होता है, नंदी हमेशा दो स्थापित होता है। देखो, जब भी आप महादेव को देखेंगे तो जो बैल के रूप में दो गण दिखते हैं, लेकिन पूजा एक ही होती है क्योंकि एक स्थापित है, लेकिन उनके स्वरूपारूप एक नंदी क्लियर क्रिस्टल के रखे जाते हैं और उनके पीछे फिर पत्थर के नंदी को या फिर मेटल के नंदी को आप रख सकते हैं। जिनको धन चाहिए उनको इस सेटअप के बीच में, मतलब जो क्रिस्टल नंदी है उससे पहले एक क्रिस्टल का या फिर एक पत्थर का टॉर्टोइज रखना चाहिए, कछुआ रखना चाहिए विष्णु रूप में। तो इस तरीके से शिवलिंग की हम लोग स्थापना करते हैं, ठीक है। शिवलिंग, कछुआ, स्पेटिक की नंदी, फिर पत्थर या मेटल का नंदी, ठीक है। ये सब करने के बाद दीपक जलाएंगे। अच्छा, नंदी जो है वो महादेव के ईस्ट की तरफ होगा, है ना, महादेव की ईस्ट की तरफ होगा और जो दीपक है हमारा वो महादेव से साउथ में होगा और उसी तरफ हम भी बैठ के पूजा करते रहेंगे। महादेव का जो भी प्रिय वस्तु है वो सब आप उनको अर्पण कर दें, ठीक है। और उसके बाद संकल्प लें कि अगले 7 दिनों तक मैं अघोर विधि से आपकी पूजा करूंगा, मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मेरा मूल ये है, ठीक है। इस समय पर और इस स्थान पर बैठ के मैं पूजा करूंगा। घर में आप ये पूजा कर सकते हैं। समय स्थान हर रोज एक ही रहेगा, इसमें आप अघो जो है समय और स्थान का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। वस्त्र सिला हुआ नहीं होना चाहिए, आसन खाली नहीं होना चाहिए, मतलब आसन पर कुछ ना कुछ रखेंगे। जो रुद्राक्ष पहनते हैं वो गले में कम से कम 2 रुद्राक्ष ही माला पहनेंगे, जाप के माला को हम धारण नहीं करेंगे। जो ज़्यादा रुद्राक्ष पहन सकते हैं वो ब्रेसलेट के रूप में दोनों हाथ में 11 रुद्राक्ष पहनेंगे और 12-12 रुद्राक्ष दोनों बाहों में पहनेंगे, ठीक है। तो ये पूर्ण एक आपका एक सेटअप तैयार हो जाएगा जब आप साधना शुरू करोगे। शुरुआत की साधना में हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक माला हम जाप करेंगे ओम हौं नमः शिवाय का, ठीक है। जब आप ओम हौं नमः शिवाय का जाप करेंगे उस समय आपका पीठ शिवलिंग की तरफ होगा, ठीक है। उसके बाद हम ओम का जाप करेंगे एक माला और हम देखेंगे उस समय ईस्ट की तरफ। फिर हम टंग का जाप करेंगे एक माला और उस समय हम देखेंगे नॉर्थ को, और हम ग्रिम इस बीजाक्षर का जाप करेंगे एक स्वाड पर और हम देखेंगे वेस्ट को, ठीक है। पुनः हम वापस आ जाएंगे
शिवलिंग को देखते हुए नॉर्थ की तरफ और फिर 10 माला जाप करेंगे। क्या मंत्र का जाप करेंगे? ओम हौं नमः शिवाय, ओम टं ग्रीं, ह्रौं ग्रम, ह्राम छाम, छह ह्राम ह्रौं ह्रः। ठीक है, इन बीजों का सिर्फ जाप करेंगे 10 माला और अंतो गत्वा जब शिवरात्रि आएगी उस दिन भी 10 माला जाप करेंगे, उसका हवन करेंगे। हवन करेंगे हम बेल की समिधा में, और जो आपने 21 बेलपत्र रोज महादेव को चढ़ाए, देखो चढ़ाओगे तो आप पांच पूजा का सारा सामान, मतलब धूप दीप नवेद है ना, लेकिन जो बेलपत्र है वो जो पहला दिन चढ़ाओगे वही सातवें दिन को भी चढ़ाओगे महादेव को, और सातवें दिन जब आप चढ़ाओगे तो वो सूख जाता है बेलपत्र। तो जो हवन संहिता है उसमें ये 12 बेलपत्र आपको क्रश करके मिला लेना है। उसमें थोड़ा सा घी डालेंगे, उसमें थोड़ा सा लौंग डालेंगे, उसमें थोड़ा सा गूगल डालेंगे, ठीक है। और जो कस्तूरी इत्र का बंदोबस्त कर सकते हैं वो इसमें थोड़ा सा कस्तूरी इत्र मिलाएंगे, और ये पूरा हवन संहिता जो है बीज अक्षर के अंत में स्वाहा लगा करके और 108 बार आहुति देंगे। जो उग्र साधना के रूप में इसको करना चाहते हैं वो हूम फट स्वाहा अंत में लगा करके आहुति देंगे। अगर 7 दिन की साधना के बाद आपको लगे कि किसी दुष्ट का आपको नाश करना है तो बीज अक्षर के बाद हना 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 वीरूपाक्ष दह 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 हुम फट स्वाहा, इस मंत्र से आप हवन करेंगे और साधना को विराम देंगे। आज के लिए इतना ही। जिनको बेसिक साधना ग्रुप से जुड़ना है जो कि एक पेड व्हाट्सएप ग्रुप है, तो उससे जुड़ने के लिए नंबर है 9431188585। ये पेड साधना ग्रुप है, इसमें जो साधक को यंत्र मंत्र तंत्र के बारे में जानकारी चाहिए होती है वो हम देते हैं, और जो भी आपको गुरु मंत्र से पहले जो जानकारी चाहिए होती है वो हम आपको सिखाते हैं। लेख पढ़ने के लिए www.aghortantrahasya.com पर जा सकते हैं। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें rudranath@cm4 आप सर्च करेंगे तो मेरा प्रोफाइल मिलेगा, उस पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। महादेव आप पर कृपा बरसाते रहे ऐसी मेरी कामना है। आप सभी को आदेश आदेश आदेश।